अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना से है, जहां पर इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास में ही अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन लगवाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अनशन पर हैं। पहले दिन यहां पर अनशन पर लोग बैठे, जिसके बाद ये अनशन भूख हड़ताल में तब्दील हो गया। भारी बारिश के बावजूद भी कार्यकर्ता यहाँ पर डटे रहे। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंचकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास से है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंचकर यहां पर बैठे हुए कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। आज इनके भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। बीती रात झमाझम बारिश के बावजूद भी यहां पर कार्यकर्ता जुटे रहे और बारिश भी लोगों को प्रभावित नहीं कर सकी। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है। उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर डटे दिखाई पड़े। इस बारे में जब देर रात प्रभारी से पहुंचकर बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, जो हटने वालों में से नहीं हैं। अपनी मांग जब तक पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक हम लोग लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या मामला था और कब से बैठे हैं? आज बारिश हुई, उसके बावजूद भी आप लोग हटे? नहीं, तो बारिश तो हम लोग को नहीं हटा सकती है, और अल्ट्रासाउंड की मांग को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज हम लोग को तीसरा दिन हो गया, और दो दिन से हम लोग करीब भूखे हैं, और अब हो सकता है कि लग रहा है कि हम लोग को जल भी त्यागना पड़ेगा, ऐसा उम्मीद लग रहा है, क्योंकि हम लोग के जो चाहिए वो प्रशासन सुन नहीं रहा है। अरे, स्वास्थ्य विभाग की टीम आज पहुंची थी जी, क्या हुआ था? उन्होंने बीपी जांच की और प्लस शुगर जांच किया हम लोगों का, और उसके बाद से फिर उन्होंने कहा कि अभी कोई खतरे की गुंजाइश नहीं है, तो फिर ये बता करके वो लोग चले। भाई जी, अभी लगातार बारिश हुई, लगभग 1.5 घंटे यहाँ झमाझम बारिश हुई है, काफ़ी तेज से बारिश हुई है, जो श्रावस्ती में पहली बारिश हुई है, उसके बावजूद भी आप डटे रहे? जी, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम लोग संजय सिंह के सिपाही हैं, ना झुकेंगे ना रुकेंगे और ना ही रुकेंगे। अच्छा, आज भूख हड़ताल का कितना दूसरा दिन है ना? जी, आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। अभी रात के कितने बज रहे हैं? रात को करीब 11 बजने वाली हैं, दोनों बाकी 11 बजने वाले हैं जी। अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से आश्वासन? कल यहाँ पर तहसीलदार और SO भी आए थे रात में जी, तो उन्होंने हम लोग को कहा कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए और आप यहाँ से अपने अपने घर जाइए। तो हम लोग ने कहा कि नहीं, हम लोग जनता की हित के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक जो मांग है वो मांग नहीं पूरी होगी, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। अच्छा, प्रशासन की टीम आए हुए 24 घंटा हो गया, उसके बावजूद उसके बाद या कोई टीम पहुँची आपके पास? कोई नहीं आया, केवल डॉक्टरों की टीम आई थी जाँच करने बस।